तो शुरुआत करते हैं नए वीडियो के साथ, बजा के घंटा बहुत तेज बजा दिया क्या यार। अच्छा चलो छोड़ो, शुरुआत करते हैं नए ब्लॉग का, लेके प्रभु का नाम, जय श्री राम जय श्री राम। शुरुआत चाय की एक प्याली विदाउट साली, और ये है छोले भटूरे, फूल के तो काफी बढ़िया फूले फूले, ये सब नुकसान वाली चीजें आज की जनरेशन को इतनी प्यारी आती है, बस खाते जाओ घर। बहुत पतले कागज सा है, न्यूज पेपर है भाई एकदम। ये एक कहानी का था, दूजा किस्सा शुरू हुआ, अब हम ये खाएंगे पनीर कुलचा। तो है जिस ठेले पे देखोगे ना आमिर खान की छोले कुलचे खाते हुए फोटो है भाई, इतना घूम घूम के कुलचे खाया है ना कि पूरे अमृतसर वालों ने उसकी फोटो खींच खींच के लगा रखी है। तो मेरे दोस्त, इस आदमी ने इतना छोले कुलचे खाए कि जो इनकी मूवी आई थी ना वो क्या बोलते हैं दंगल, उसमें पेट इनका इसीलिए निकला था क्योंकि अमृतसर में इतना छोले कुलचे खा के गए। खैर हम लोग को मिल जाता है एक और लंगर, तो हम लोग पीते हैं यहाँ पे चाय, फिर अपना रिक्शा करके, ई रिक्शा ऑटो करके नहीं, हम लोग हाथ गाड़ी करके जाते हैं अब फोर्ट के लिए। बगल से ऑटो वाला निकलता है, इतना भयंकर लुक देता है कि पता नहीं इसका कौन सामने पैसा वैसा लेके भाग गए हैं। अभी ये जो कबूतर हैं ये चार्ज में लगे हुए हैं, थोड़ी देर चार्ज होंगे फिर उड़ेंगे, फिर चार्ज में, ये एक और चार्ज पे लग गया, ये चार्ज होते रहेंगे उड़ते रहेंगे। उधर देखो उधर भी चार्जिंग पे लगे हुए हैं, ये सारे कबूतर तार पे बैठ बैठ के चार्ज होते रहते हैं। ये इधर देखो सब फ्री में चार्जिंग कर रहे हैं अपनी, ये देखो इसकी चार्जिंग पूरी हो गई तो उड़ गया। ये अभी 11 बज रहे हैं, उसके बाद भी कोहरा पड़ा हुआ है, शुद्ध कोहरा है, मिलावट नहीं है, क्योंकि भाई ये दिल्ली नहीं है अमृतसर। कश मार रही है करुण द्वार, कोहरा है, कोहरा है भाई, कोहरा है सच में दिल्ली में। ये भगवान परशुराम चौक, गाय आदमी, ये गाय गाय लकड़ी, ये बैल है, गाय नहीं गाय, ये बैल है, ये गाय है, ये कपल्स हैं, दोनों साथ में घूम रहे हैं। विजिबिलिटी यहाँ पे मुश्किल से 40-50 मीटर की है, बाकी विजिबिलिटी नहीं है। दशहरा ग्राउंड, अच्छा जी, लगता होगा दशहरा ग्राउंड है, जो दशहरा होता है उधर सामने फोर्ट है, उससे जस्ट आगे आके तोप से राइट लेके थोड़ा हो गया तो उधर टिकट काउंटर है, यहाँ मिलता है टिकट। कल रात में भी हम लोग यहीं आए थे ना, लेफ्ट नॉट राइट, लेफ्ट राइट, ऑटो पार्किंग, यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दो अपने आप पार्क हो जाती है, दिस इज ऑटो पार्किंग। ये यहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं 450 रुपये की, मॉर्निंग एक्टिविटीज़ हैं, और खाना खाना है तो 900 रुपये की है, जिसमें रहेगा इस एक्टिविटी में 450 की एक्टिविटी में इंक्लूड रहेगा 7 डिश हो है, और कैमल राइड है, एक दो कपल्स गेम है, उसके बाद फोर्ट में घूम सकते हो, वो सारी चीज़ें हैं, हाँ कपल साइकिलिंग वगैरह है, कुछ नहीं भाई 450 रुपये का। इसमें तो एक्वा मैन, पठान, सलार सब देख लेते, तीन की तीनों मूवी देख लेते भाई, इतना महंगा 900 रुपये में, और कुछ नहीं है भाई, और लूट रही है गवर्नमेंट हमारा ही कल्चर दिखाने के लिए, हमसे इतना पैसा ले रही है। पहले नहीं था जरा, पहले नहीं था 2018-18 में, अब इनने बढ़ा दिया। कितनी सारी टिकट दे रखे इनने, ऐसा लग रहा है आज पूरा दिल्ली मेरे ही पैसों से देखेगा। किला किला किला, ये दो बच्चे किले में चोरी करते हुए पकड़े गए हैं, ये दोनों सेंधा लगा रहे हैं किले में, कैसे अंदर जाने। हम प्रवेश कर चुके हैं, ठीक है, तो ये फोल्ड का फ्रंट एंड है, ये बैक एंड है, यहाँ सफाई बहुत है, मैं पहले भी आ चुकी इसलिए मुझे पता है। और ये हमारा 900 का टिकट हुआ है, लेकिन इसका कोई गम नहीं, हम इसको रिमबर्स करवा लेंगे, बस ये टिकट मुझे पापा को भेजना है और बोलना है प्लीज सेंड मी 900 रुपीज, फिर थोड़ी देर में आएगा योर पेटीएम हैज बीन क्रेडिटेड 900 रुपीज, नहीं पापा 1000 रुपये, 100 रुपया भेजेंगे GST के साथ में, तो ये रिमबर्स हो जाएगा, इसका कोई गम नहीं है, कुछ नहीं पापा 1000 रुपये देंगे, 900 नहीं देंगे। चलो अगर मैं भूल जाऊंगा ना तो पापा ये वीडियो देख के रहेंगे जब ना, तब भेज देंगे मुझे 1000 रुपये फट्टे से। ओके ये किला है,
ये प्रोटेक्शन एज यूजुअल, खाई पानी भरा हुआ। ये शेर है, बब्बर शेर है, दो जगह ये जया बैठा है, ये जवा बैठा है। नगाड़ा धर 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 बजा जाता था चेतावनी देने के लिए। ये गेट है भारी सा। ये घंटा, हेलो दोस्तों, घंटा देख लो। ये उन दोस्तों के लिए जो मेरे दोस्त भाई 500 रुपए नहीं खर्च कर सकते, करना चाहते मतलब, ये देख सकते हैं। ये डबल लेयर प्रोटेक्शन है यार, ये डबल लेयर प्रोटेक्शन है। एक आगे भी खाई है, एक इधर भी है। ना 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 ना, तभी मैं कहूँ यहाँ आते म्यूजिक क्यों सुनाई दे रहा है मुझे। शेर भाई साहब, ये यहाँ का मैप है फोर्ट का पूरा। ये तोप है, पहले कार्यरत थी, अब बंद कर दी गई है। ये नलवा गेट, बाद में तुमने नेम्ड आफ्टर हरि सिंह नलवा कमांडर इन चीफ ऑफ खालसा। ये भी, इसका भी नाम रेड फोर्ट होना चाहिए। ये विंटेज गाड़ी है, इस पे राइड करने का अलग से भैया 300 रुपये का चार्ज है। आपको पता है? हाँ, लिखा था वहाँ पे 300 रुपये देने का मतलब क्या है। सिर्फ लूट एक्चुअली। ये कैदी सेल है, बंद कर दो इसे सलाखों के पीछे। माई वाइफ शुड बी इन देयर या जस्ट बैक ऑफ दैट बोतल, शी शुड बी शूटिंग देयर। कई सारे कैदियों को रखा जाता था। इधर आओ ऊपर, ये सीढ़ियां हैं उत्तर की। बड़ा मजबूत है आदमी, पत्थर मजबूत है इसका। ये क्या बनाएंगे आज के इंजीनियर, कल बनाते हैं परसों टूट जाता है, फिर उसी पे लूटते रहते हैं। ये देखो, तीन तीन चार चार सौ साल पुरानी चीज़ें हैं जो आज भी एज इट इज़ खड़ी हैं। न भूकंप का चिंता इनको, न किसी चीज़ का डर। ये कुआ है, लोग पहले आज भी गांव में इसका पानी पीते हैं, और शहरों में चौचले चल गए हैं भाई कि एक्वाफिना एक्वागार्ड फिल्टर वाला पानी पियो, क्योंकि इतना पहले गंदा करेंगे फिर साफ करके पानी पियेंगे। बहुत बड़ा फोल्ट है, थोड़ा छोटा, बहुत बड़ा फोल्ट है, थोड़ा छोटा ब्लॉक बनाऊंगा, ठीक है। तुम खोवा दोगी मत रखो, तुमको 25 साल पहले भगवान ने बुद्धि दी थी, वो भी खोवा दी तुमने। अब क्या करते हैं, अब इन्होंने मैंडेटरी कर दिया है कि नहीं भाई इतना पैसा लगेगा ही लगेगा। पहले ऑप्शनल था जब हम लोग आए थे, इसीलिए टिकट भी कम था। यहाँ पे सिर्फ फोर्ट विजिट का था और 70 शो का आपको अलग से पैसे देने होते थे। तो शायद आई थिंक 100 रुपये एंट्री फीस लगी थी कुछ तो ऐसे ही, मुझे याद नहीं है, 50 रुपये या 100-150 रुपये लगे होंगे फिर एंट्री फीस। जिन लोगों को पेंटिंग वगैरह ख़रीदने का शौक़ है तो उनके लिए यहाँ भी ऑक्शन लगा हुआ है, ऑल टाइम ये रहता ही रहता है, तो लोग ख़रीद सकते हैं पेंटिंग वगैरह जो भी युद्ध किए हैं या गुरु नानक देव जी किए हैं,
तो ये इन्होंने बनाई है, भगत सिंह बेदी ने। और ये सामने जो ओपन स्टेज दिख रहा है, यहाँ पे यहाँ के जो प्रोफेशनल डांसर्स होते हैं, यहाँ के ट्रेडिशनल डांस करते हैं, उसके बाद जो भी आए हुए हैं घूमने किला, उनको भी मौका दिया जाता है वहाँ पे डांस करने का। गजराज तोप, जायका यहाँ खाने का है, इधर 7D का है अपना। अब बहुत हो गया है, पहले बार तुम्हें थोड़ा लगा था जब जॉबलेस थी, अब जॉब लग गई तो बहुत लगेगा। बहुत एक्सपेंसिव। चुप, डांस के बाद अब हम निकल चुके हैं 7D शो के लिए। तो ये वेटिंग एरिया है, ये हमारे होल्डिंग गियर्स हैं, फुट रेस्ट, यहाँ बैग वगैरह रखो, इसमें ले लो, ये सामने फोन रख दो अंदर। एक रात असी चिट्ठिया खिलाफ एक जंग जीत के मुड़े, होल्डिंग होने के कारण फोन में इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है, लेकिन तब आपको भी देखने में अच्छी लगेगी जब आप अच्छा चश्मा चुन के जाओगे देखने के लिए। ध्यान रहे कि चश्मा अच्छा होना चाहिए।